कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरे देश में लॉकडाउन है जो तीन मई को खत्म होने वाला है लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब इससे बाहर निकलने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को किस तरह से चालू किया जाए जिससे संक्रमण फैलने का खतरा न हो इस पर रणनीति बनना शुरू हो गई है लॉकडाउन के बाद से बंद हुए एयरपोर्ट और मेट्रो सेवाओं को कैसे खोला जाए इसको लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्लान तैयार किया है केंद्र सरकार को भेजे सीआईएसएफ के प्लान में जिसमें कड़ी जिसमें कड़ी सुरक्षा हर यात्री की जांच एयरपोर्ट पर समय से पूर्व आने जैसे प्रस्ताव शामिल है लॉकडाउन खुलने के बाद मेट्रो कैसे काम करेगी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं दिल्ली मेट्रो के चालू होने पर यात्रियों को जांच से पहले शरीर से धातु की चीज़ों बेल्ट पर्स आदि को हटाना होगा मेट्रो में मास्क पहनना अनिवार्य होगा मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर होना चाहिए फ्लू के लक्षण होने पर यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी आरोग्य सेतु ऐप से जारी ई पास की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है मेट्रो परिसर की हर एंट्री और एग्जिट पर हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था होगी हर स्टेशन में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी एयरपोर्ट पर भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं लॉकडाउन खत्म होने बाद, के बाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों को खास जगहों पर तैनात किया जाएगा इस दौरान पीपी -पी किट की व्यवस्था की जाएगी एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा फ्लाइट के डिपार्चर टाइम में बड़ा अंतर हो यात्रियों को एयरपोर्ट पर दो घंटे पहले आने के लिए कहा जाएगा अपडेट्स